अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मैं चन्ना। दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम कायम है और ये दस्तरखान हर दौर में सैयदो सादात और अहल बैत से अकीदत रखने वाले बिछाते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम में शिफा को रखा है। आप तमाम मोमिनीन से अर्ज है कि इमाम बारगाह हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद शाह इनायत विलेज कराची में हर इतवार शाम 4 बजे आएं और दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम पे बैठ के न्याज इमाम हसन अलैहिस्सलाम खाकर अपना ईमान ताज़ा करें। और इस न्याज में किसी भी मज़हब किसी भी मसलक से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये वो न्याज है कि मैं समझती हूँ कि जो भी शिफा के लिए भी सोचे कि मुझे शिफा हो तो उसके लिए भी मौला ने शिफा कर देनी है। तो आप तशरीफ़ लाइए और इस न्याज पे आके अपने दिल की मुरादें भी पाइए। इमाम बारगाह हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद शाह इनायत विलेज कराची में हर इतवार 4 बजे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का तावीज़ फ़ी सबीलिल्लाह तकसीम किया जाता है और गाज़ी अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक का पानी मेरे बाबा सैयद फ़तेह अली शाह मोमिनीन में फ़ी सबीलिल्लाह तकसीम करते हैं। दस्तरखान से पहले हदीस किस्सा पढ़ने का शर्फ हमारे प्यारे भाई ज़वार सज्जाद हुसैन अब्बासी साहब को हासिल है, जो मोमिनीन को हदीस किस्सा और जिक्र आले मोहम्मद सुनाते हैं और फिर बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम बारगाह हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद शाह इनायत विलेज में बिछाया जाता है, जहां हर मसलक और मजहब के लोग आते हैं बगैर किसी तफरके के मोहब्बत और अमन के साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पे बैठ के अल्लाह का रिज्क खाते हैं। हम आपका इंतजार करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इस इतवार दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर आकर न्याज इमाम हसन खाकर अपने लिए और हमारे लिए दुआ करेंगे। अल्लाह पाक तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। अल्लाह पाक तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। नारा अलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा।